काफी ज्यादा महीनों के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और स्टार्ट तो मैंने देखो कई बार किया है बट वो एंड तक नहीं आ पाया कभी। आज मैं ऐसा प्रे करती हूँ कि मेरा व्लॉग खत्म हो और एक दो व्लॉग्स बनेंगे ना, आई थिंक तभी रेगुलरिटी आएगी। और बहुत सारे मुझे अभी तक कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहा। हाय रियांश, एंड ये बेटा रियांश अपने स्टॉलर में। रियांश बहुत मेरे ट्रक्स में बिजी है अभी। आजकल जो वेदर हो रहा है ना, एकदम अच्छा हो रहा है, सनी हो रहा है। और यहाँ पे जो खास बात है ना कि जब सनी होता है ना तो बहुत ही विंडी रहता है, विंडी हमेशा रहता है। बट अभी जो ना बहुत ही ऐसी हवा चलती है, ऐसा नहीं है कि स्वेटिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं या ह्यूमिडिटी हो रही है, बिल्कुल ऐसा। और आप देख रहे हैं कितना विंडी हो रहा है, आवाज आ रही होगी। और मैं गलती से ना माइक घर पे लेके आई हूँ। इस बार हम लोग रिसेंटली इंडिया गए थे, जहाँ वहां से आते टाइम ना मैंने एक व्लॉग शूट किया था, उसको मैं एडिट करके डेफिनेटली अपलोड करूंगी। तो मैं माइक लेकर आई हूँ, ट्राईपॉड लेकर आई हूँ, काफी प्लानिंग के साथ आई हूँ फिर से। बट बहुत सारे रीजंस की वजह से ना स्टार्टिंग हो पा था, जो मैं आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूंगी सारी चीजें, सारी बात है। अच्छा पता है क्या, हम लोग वैष्णो देवी गए थे, वहां मुझे एक सब्सक्राइबर मिली थी मेरी वरुदिका व्लॉग्स की, एंड आई वाज सो ग्लैड कि मतलब इतने टाइम के बाद भी लोग इसे मिस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इट वाज सो अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि यार स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ऑल्दो बहुत टफ होगा, हम लोग डेली नहीं कर पाएंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। कैसे क्या रहता है, लेट्स सी। गाइस ये हमारे ना घर के बाहर का एरिया है, मतलब हम लोग अपनी ऐसे रास्ते से निकलते रहो, इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी है। एक वे वहाँ जाता है एंड ये जो स्टेयर्स हैं ये स्टेशन पे जाती हैं, रेलवे स्टेशन पे, वो सामने है मॉल एंड उधर बस स्टॉप है, वहाँ पे ना रेलवे स्टेशन का दूसरा रास्ता भी है। तो सब कुछ बहुत नियर बाई है और रास्ता भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा एकदम। अभी मानसून टाइप्स हो रहा है ना तो आपको बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स मिलेंगे, बड़ी अच्छी ग्रीनरी। एंड यहाँ पे ना पूरे में आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखो ब्लैक बेरी के पेड़ मिलेंगे, ये देखो पूरे बेरीज के पेड़, इतनी बढ़िया बेरीज आ रही है ना, ये देखो पूरा झुग्गे पे झुग्गा। और यहाँ देखो ये देखो भाई, इतने बेरीज के पेड़ है ना। और इस टाइम पे ना समर वैकेशन स्टार्ट है, मतलब पूरे अगस्त में ना समर वैकेशन रहती है, तो इतना अच्छा माहौल रहता है ना एकदम, पूरे में भीड़ भाड़। और इस टाइम पे समर्स की सेल भी चल रही है तो हर जगह रिडक्शंस मिल जाएंगे सारे स्टोर्स पे, समर का हाँ बड़ा अच्छा माहौल रहता है, बढ़िया एकदम। यांश को बस देखने में ना बहुत मजा आता है बट इसको ना बैठने में बहुत डर लगता है। एक ये है, एक ये है एंड आगे आइसक्रीम का एक वैन टाइप है पूरा। How are you today? I'm fine. How are you? Yes, thank you. Enjoying the lovely weather. Yes. That's for you, Ria. पार्क में और इतना प्यारा मौसम, वरना यहाँ पे बोटिंग होती है, यहाँ पे पूल और यहाँ पे डक भी इतना, और काफी सारे वो भी नहीं दिख रहे हैं। इतना अच्छा हरियाली, फ्लावर्स हो रहे हैं और इतनी ग्रीनरी है यार यहाँ पे। आप ये देखो यहाँ का लोग, देखो कितने बड़े बड़े क्रिसमस ट्री, ग्रीन ट्रीज, ये देखो पीछे पूरे बड़े बड़े ग्रीन ट्रीज। बड़े प्यारा मौसम हो रहा है और बड़ी ग्रीनरी है। आगे जाके पूरा ना प्ले एरिया है बहुत ज़्यादा, उसके आगे भी थोड़ा सा ना पानी वाला एरिया है। Oh,
वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल. फाइनली गाइस ये दिन आ गया एक साल के बाद कि मैं एक व्लॉग शूट कराया मैंने और वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. एंड ये व्लॉग ना थोड़ा सा पुराना है, कुछ मैंने प्री शूट करके रख दिए हैं वीडियोस को ताकि डिले ना हो चीज़ें. और इस बार ये प्लान है हमारा कि हम डेली तो व्लॉग नहीं शूट कर पाएंगे, डेली हम नहीं मिल पाएंगे, बट हाँ ऑल्टरनेट डेज या फिर उसके दो दिन के बाद हम डेफिनेटली यूट्यूब पर मिला करेंगे. आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे आंसर्स हैं उनके, जो हम डेली की डेली डिस्कस क्या करेंगे व्लॉग्स में. आप जो भी पूछना चाहते हो मुझसे ना कमेंट सेक्शन में पूछ लो. आपने इतना सारा प्यार दिया है मेरे पोस्ट पे, अभी तक मुझे यूट्यूब पे कमेंट आते हैं व्लॉग्स के लिए, इंस्टाग्राम में DMs आते हैं. आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्लैड कि मेरे पास एक इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली है. इस टाइम जो वेदर है ना वो यहाँ बहुत ही अच्छा हो रहा है. अभी सितंबर अक्टूबर से ना विंडी होना स्टार्ट हो रहा है, ठंड होना स्टार्ट हो जाएगी, बट 3-4 महीने जो रहते हैं ना इंग्लैंड के वो बहुत ही अच्छे रहते हैं. तो सिंपल ये एक पार्क डे था, हम लोग गए थे एंड हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, जिसका मैंने क्लिप आप लोग के साथ शेयर किया. अब आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा शेयर करना एंड होपफुली हम लोग पहले की तरह एज अ फैमिली रहने वाले हैं. मैंने भी आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मिस किया. मैं फ्राइड इडली लेके गई थी तो वो बस खा के इंजॉय किया हम लोगों ने. बहुत ही टेस्टी इंडिया, बस एक कमी है वो है हरी मिर्च की, प्रियांश की वजह से. बहुत टेस्टी है प्रियांश की भी. प्रियांश जो यहाँ पे ना ये फ्रूट शॉट्स मिलते हैं जो पानी होते हैं उसमें सिर्फ है ना ऐसे कुछ 3-4 चम्मच ऐसे एसेंस टाइप मिला होता है फ्रूट्स का. यहाँ पे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं ताकि पानी का इंटेक कम ना हो. प्रियांश को ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. तो हम लोग ट्रिप पे जाते हैं घूमने के लिए तो ये लेके जाते हैं, इसमें 3-4 फ्लेवर्स आते हैं अलग अलग. प्रियांश दैट्स फॉर यू. वापस आते टाइम हमारा प्लान हो गया कि घर पे आज चाइनीज़ बनाएंगे, तो बस कुछ सामान था जो हम लेते हुए आए थे, बहुत सारी चॉपिंग, गार्लिक, अनियन, ये वो, एंड हमने बनाया था फ्राइड राइस, मंचूरियन, नूडल्स एंड कुछ पनीर टिक्का टाइप्स. और क्वांटिटी हम लोगों ने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, तो प्लान रहता है कि यार संडे को कुकिंग नहीं करेंगे. डेली सेम रूटीन से ना थोड़ा चेंज होके अच्छा लगता है. वरुण के एक फ्रेंड हैं वो भी आए हुए थे घर पे, तो बस काफ़ी सारे मंचूरियन की तैयारी की एंड ये केक हम लोग लेकर आए थे. पनीर को यहाँ मैरिनेट करके रख दिया है बढ़िया तरीके से और यहाँ पे नूडल्स बॉयल कर दिए थे. प्रॉपर रेसिपीज़ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ बट हाँ कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने शेयर की थी. मंचूरियन बॉल को एकदम बढ़िया फ्राई करने के बाद पनीर को ना मैंने डीप फ्राई किया है, मैरिनेट हम लोगों ने आई थिंक 40-50 मिनट्स किया था और बहुत ही टेस्टी मील बना था, बढ़िया से इंजॉय किया. बहुत अच्छा वीकेंड ना ऐसे ही जाता है. और यहाँ पे हम लोग बाहर ना बहुत ही रेयरली खाते हैं. मैं आपके संग बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी यहाँ के बारे में क्योंकि एक तो द मेन रीज़न हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं एंड सेकेंडली यहाँ पे ना वो टेस्ट नहीं है जो एक्चुअली में हम लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ा स्पाइसी वाला. तो बस सारी चीज़ें धीरे धीरे तैयार हो गई हैं, नूडल्स बन गए हैं, यहाँ पर बन रहा है जी आई थिंक मंचूरियन, सारी सॉसेस वॉसेस डाल के. चाइनीज़ हम लोगों ने पहली बार अभी तक घर पे बनाया है, अभी तक मतलब नहीं बनाया था चाइनीज़. बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था. लेकिन जी हो गई तैयारी? हाँ फाइनली सारी तैयारी हो गई, बस लास्ट चीज बच रही है वो है थोड़ी सी क्लीनिंग क्योंकि इतना किचन फैल गया था. अभी मैंने थोड़े बर्तन क्लीन करके रखे हैं, अभी थोड़े सॉर्टेड है. हाँ अभी ये है यहाँ पे सॉसेस वॉसेस है एंड गाइस इतना यम्मी राइस बन के तैयार है. एंड ये हमारा तैयार हो गया है जी पनीर एंड ये हो गया है जी मंचूरियन हमारे नूडल्स. दिखाऊं मैं? नहीं मैं दिखा चुके okay. सब कुछ करते करते ना इतनी वेजिटेबल चॉप हुई है वरुण ने, इतना जिंजर गार्लिक चॉप 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 किया ना कि अनलिमिटेड. और किचन की ऐसी हालत हो गई थी ना कि बस देखने लायक. बट द बेस्ट पार्ट कि हमने खाने से पहले किचन को सॉर्ट कर दिया ना, अभी नहीं खाएंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि बना बना के ना ऐसे फ्रेगनेंस इतनी अंदर चली गई है मेरे तो कि मन ही नहीं कर रहा है. तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है, बालकनी दिखाती हूँ मैं आपको भी अपने घर की. बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम रिलैक्स करेंगे, बाहर बैठेंगे, बोलने का कैन लूंगी मैं बढ़िया से, चाइनीज की प्लेटर सजाऊंगी. वीकेंड वाइब्स आ रही है मुझे प्रॉपर, बहुत मजा आ रहा है. एंड डिश वॉशर लगा दिया था साथ में मैंने बीच में, तो सारे बर्तन क्लीन है, किचन का स्लैब क्लीन है. आई एम सो हैप्पी
और कल के लिए भी है क्योंकि हमने काफी ज्यादा क्वांटिटी बनाई है। चाइनीज ऐसा ही डेली डेली तो नहीं बनता, तो हमने ना एक्स्ट्रा क्वांटिटी थोड़ी सी बनाई है। मंचूरियन आप लोगों ने देखा ना काफी सारा है। और यांश के लिए मैंने पता क्या किया है, थोड़ा प्लेन राइस निकाल लिया है एंड साथ में मंचूरियन की बॉल्स निकाल के रख लिया है। और अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि टमाटर प्याज की प्योरी बना के उसमें मंचूरियन बॉल्स को टाइप लौकी को कोफ्ते होते ना वैसे कोफ्ते बना के डाल देंगे। तो ये हमारा है जी प्लान। इसको मैं सही करूंगा यार, ये टूट रहा है। हाँ इसको फिक्स करना है यार।